नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पीएम मोदी ने 25 जनवरी को यूपी के बुलंदशहर से लोकसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया। बीजेपी पूरी ताकत के साथ चुनावी रण में उतरने को तैयार है, लेकिन बीजेपी को घेरने में जुटे विपक्षी दलों के गठबंधन की हालत पतली होती दिख रही है। एक तरफ राहुल गांधी चुनाव से पहले भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए देशवासियों को एकजुट करने निकले हैं, उधर विपक्षी दलों का इंडी गठबंधन टूटने की कगार पर है। गठबंधन के लिए एक के बाद एक बुरी खबर आ रही है। पहले ममता ने एकला चलोरे का ऐलान किया, भगवंत मान ने अकेले ही पंजाब में लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया, बीजेपी से कांग्रेस में गए कर्नाटक के पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार भी वापस बीजेपी में लौट आए हैं। अब नीतीश के वापस एनडीए में लौटने की अटकलें भी तेज हो गई हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अगर नीतीश कुमार ने एनडीए में वापसी कर ली तो इंडिया गठबंधन का वजूद संकट में आ जाएगा और इंडिया गठबंधन चुनाव से पहले पूरी तरह से टूट जाएगा। कांग्रेस को इस बात का डर सता रहा है कि अगर ममता बनर्जी के बाद नीतीश कुमार ने साथ छोड़ दिया तो इंडिया गठबंधन की अब तक की चुनावी तैयारियों पर पानी फिर जाएगा और कांग्रेस को लोकसभा चुनाव के लिए फिर से नई प्लानिंग करनी होगी। कम वक्त में नई रणनीति के साथ आगे बढ़ना कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को चुनौती देने के लिए 28 विपक्षी दलों ने इंडिया गठबंधन तैयार किया। पिछले महीने इसमें शामिल सभी राजनीतिक दलों की दिल्ली में बैठक हुई थी। इस बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर उछला। इसके बाद विपक्षी दलों के बीच तनातनी बढ़ गई। नीतीश कुमार समेत जेडीयू के कई नेताओं ने खड़गे का नाम प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में आगे बढ़ाए जाने पर नाराजगी व्यक्त की थी। गठबंधन में खुद का कद घटते देख नीतीश कुमार काफी नाराज हुए, जिसके बाद उन्होंने फिर से पलटी मारने का मन बनाया। नीतीश को लेकर खबरें हैं कि किसी भी वक्त नीतीश कुमार इंडिया का साथ छोड़कर एनडीए में शामिल होने का ऐलान कर सकते हैं और उसके बाद बिहार के सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं। बीजेपी चाहती है कि सीएम बीजेपी खेमे से बने, लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद अपने पास रखना चाहते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नई सरकार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, जबकि सुशील मोदी को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। मंत्रिमंडल में पुराने फॉर्मूले के तहत ही मंत्रियों की संख्या तय होगी। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि नीतीश कुमार के गठबंधन का साथ छोड़ने के साथ ही इंडिया गठबंधन टूट जाएगा। खबरें हैं कि अगला नंबर अखिलेश यादव का होगा, क्योंकि यूपी में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच तनातनी जारी है। विधानसभा चुनावों के दौरान सपा और कांग्रेस के बीच हुई तलखियों को भुलाया नहीं जा सकता है। अब जब गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमार ही गठबंधन से जुदा हो रहे हैं तो शायद ही इंडिया गठबंधन का कोई भविष्य होगा। आगे क्या होगा उसका रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।